अभी जो प्रोग्राम हुआ था प्रधानमंत्री जी का, अभी प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी का हुआ आरंभ, मैंने पूरा प्रमोशन किया और ये प्रोग्राम जो है हमें बताया गया, प्रोग्राम आ गया बनके उसके अंदर मुझे बोलना था अचानक रात को उन्होंने उनके लिए उनकी स्पीच दी। ये प्रेजेंट जो हमें डाटा देश का है जिसमें राज्यों में जो काम होते हैं इवन देश में आगे भी क्यों नहीं हुए उसके अंदर भी कई काम और करने पड़ते हैं, पिलूडू करने पड़ते हैं, मिलके काम करते थे कई बनाने की प्रक्रिया भी होती है। लंबी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये अधिकतर अच्छा नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, पिछले 50 साल मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की योजना होती है राज्यों में उनको कहते हैं CSS सेंट्रल स्कॉलरशिप। 90% केंद्र का स्टेट का फरेंस नहीं 20 होती थी जिसकी फोटो इमिग्रेशन बदल दी वो बड़ा इशू है। लेकिन कॉलेज के अंदर भी यहाँ के भी जो यूपी गवर्नमेंट थी शेरी का थे और फ्रेंड डिपार्टमेंट राज्यों का था इधर वो मिलेंगे 64 करते आज आज के जो प्रोग्राम हुआ लंबे समय से पहले वो प्रोग्राम खुद पूछते गए लेकिन प्रोग्राम राज्य सरकारें खुद करती है वो इन्वेंट करती है चीफ गेस्ट के रूप में केंद्र सरकार के मंत्री भाई वो अलग बात है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऐसा प्रोग्राम खुद को अग्रे नहीं करो बिना कोई डेट को कन्वीनियंस किसकी है कि मुख्यमंत्री कोई बात नहीं करते प्रधानमंत्री आ रहे तो कोई बात नहीं जिन्होंने उनको सुधा क्यों बुरे अंदर आती तब भी उनका आ रहे हैं। अब उसके अंदर आप जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर प्रोग्राम बना करके जैसे प्रोग्राम निकाल करके किन कारणों से उनको इनकार किया गया ये बहुत दुख की बात। और मैं क्या कहता हूँ उनको निहायत स्वागत करता हूँ उनका हिंदू जो मैंने ट्वीट पर लिखी बात है वो बोल देता हूँ मतलब कि वो सिकर में जा रहे हैं अग्निवीर हो या किसान योजना हो कोई कोई बात करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करता कि राजस्थान एकमात्र राज्य बन रहा देश के अंदर जहाँ पर सभी जिलों में भरे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये यूपी गवर्नमेंट से जो पहले संख्या हुए थे 7-8 मेडिकल कॉलेज उनके कंटिन्यू में प्रोग्राम चल रहा है और मैं मांग ये करता हूँ कि 3 जिले बन गए राजस्थान प्रतापगढ़ जालौर उसको भी आप सम्मिलित कर लीजिए। ये मैं मांग करता हूँ जो राष्ट्रपति निर्वाचित थी हालांकि मैंने पहले भी बोला कि अगर सरकार केंद्र सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे उसको और बात कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम के अंदर भी जो सरकारी प्रोग्राम है उसमें आप क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पूरा जो भाषण दिया वो पूरे प्रदेश को और देश को बता दिया राजस्थान वासियों को बताने की कोशिश करी हालांकि उनको समझ नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजस्थान में जो गवर्नेंस चली है हमारी सर्वपांच बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया आपका शिक्षा में काम हुआ है स्वास्थ्य सेवा में काम हुआ है तो बेमिसाल है। और हमने जो कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जो कहने को रहा है कंपनी FIR का वो देश में कहीं नहीं है इसलिए ये बढ़ करके बातें बोलते रहते हैं कि नंबर 1 आ गया नंबर 2 आ गया NCERT के आने के छोटे बता देते हैं
तो मैं कहना चाहूंगा कि एक परंपरा बढ़ी हुई चिंता आज की नहीं है, आज जो होगा हो गया। तो चिंता है अगर आप इस प्रकार से लेकिन ढांकी की सरकारों के साथ व्यवहार करेंगे, मुख्यमंत्री के मैसेज आ रहे हैं वहाँ पर, उनके मैसेज आ रहे हैं हमारी सरकार के, मैं जुड़ू होगी इससे। और उसके बाद अचानक आपने नाम हटा दिया, अभी मैं जुड़ा रहा क्योंकि राजस्थान के मेरे को बन रहे हैं, अन्य स्कीम बन रही है, तो मैं खुशी के माहौल तो हमारे लिए है, प्रदेशवासियों के लिए है। और उसके बाद जिस प्रकार का अगले बार की लगे हुए उचित दिन प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ, उनका आभारी हूँ आपने चिंता की मेरे स्वास्थ्य। परिता ने ये कहा कि वो आ नहीं सके, ये तो आपके देखों को मालूम था, कहीं जगह को मालूम था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, उनको मालूम है पास जानकारी है। तो मैं कहना चाहूंगा कल कृषि मंत्री का फोन मेरे पर आया तो मरता सबको मालूम है कि मैं जुड़ रहा हूँ, पूजा मार रहा हूँ, उसके बाद अचानक किया राज्य के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री का आप जोड़ने से इनकार कर दो, ये मैं उचित नहीं कहा, मेरे कहा